लव बर्ड्स, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, पावा कपिल, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण एक साथ, रणथंभौर जयपुर क्या पहुंच गए? न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशंस होने लगी कि क्या रणबीर और आलिया एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाएंगे। सभी एक साथ वहां क्या करने पहुंचे? सबके मन में सवालों का गुब्बारा फूल ही रहा था कि रणबीर के चाचा रणधीर कपूर ने एबीपी न्यूज को बताया कि रणबीर, आलिया, नीतू कपूर और रिधिमा वहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने पहुंचे हुए हैं, सगाई की बातों को गलत बता दिया। तो सवाल ये उठा कि रणबीर, दीपिका, रणबीर और आलिया ने एक साथ मिलकर वेकेशन प्लान किया। वेल, अब इस मिस्ट्री से पर्दा हट चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि रणबीर, आलिया और रणबीर दीपिका ने ट्रिप एक साथ प्लान नहीं किया था। ये महज एक कोइंसिडेंस है कि दोनों कपल वहां मिल गए और फोटोज खिंचवाई। आलिया रणबीर और उनकी फैमिली के साथ सवाई माधोपुर के लग्जूरियस अमन आई रिसोर्ट में ठहरे हैं। वहीं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दी ओबेरॉय वैन्य विलास वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट में ठहरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया और रणबीर यहां 3 या 4 जनवरी तक रहेंगे। आलिया ने अपनी तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है। बगल में रणबीर कपूर को आप स्पॉट कर सकते हैं। नीतू कपूर भी इस वेकेशन से कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं। रिधिमा कपूर भी तस्वीरें शेयर कर रही हैं। खैर, रणबीर आलिया की सगाई शादी का तो कोई सीन नहीं है। ऑल्सो रणबीर दीपिका या आलिया रणबीर का रणथंभौर में यू टकराना बस एक कोइंसिडेंस है, ना कि प्लान्ड। रिपोर्ट्स की माने तो ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई है।